जिलाधिकारी से फरियाद लगाने के बाद भी दबंगों ने हड़प ली जमीन। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया जनपद के पूरे गांव के सेलरा पर राजभर बस्ती का मामला है, जहां राजभर बस्ती के बली राजभर की जमीन को दबंगों ने फ्रॉड कर उनकी जमीन का कब्जा कर लिया है, जिसे पीड़ित होकर बली राजभर ने जिलाधिकारी से लेकर पुलिस अधीक्षक तक गुहार लगाई है। लेकिन गुहार लगाने के बाद भी पीड़ित बली राजभर को न्याय नहीं मिला। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि जब पुलिस ने दोनों पक्षों को थाना पर बुलाया, तब जबरदस्ती बली राजभर और उनके बेटे को दबंगों के सामने सिग्नेचर कराया। इतना ही नहीं, पुलिस ने धमकी भी दी है और कहा है कि अगर सिग्नेचर नहीं किया तो तुम्हें 151 में जेल भेज देंगे। पुलिस को धमकाने के बाद जेल जाने के डर से दबंगों के सामने ही पुलिस ने सिग्नेचर कर दिया। नाम है आपका? बली। बली कहाँ के रहने वाले हैं? बलीपुर के रहने वाले हैं जी। क्या मामला है अभी आपका? मामला है कि साहब हम 47 डिसमिल जमीन लिए थे बाबू जोगिंदर सिंह से। कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी का लगातार चल रहे विरोध की जांच करने पहुंची पार्टी के पर्यवेक्षक। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की हाईकमान ने बनवारी लाल को मोहम्मदाबाद विधानसभा का प्रत्याशी बनाया, जिसके बाद से ही पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रत्याशी बनवारी लाल का विरोध चल रहा है। वहीं आज मोहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र में संगठन की बैठक के बाद न्याय पंचायत अध्यक्ष ने पार्टी के प्रत्याशी व उनके साथ के कुछ लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए जो सहयोग राशि प्रत्याशी को मिलती है, जिसमें बंदर बांट करने के कुछ लोग लगे हुए हैं। परिचय अपना दे सबसे पहले। हाँ, परिचय अपना दे सबसे पहले। हमारा जी 12 ग्राम सभा के हैं, न्याय पंचायत अध्यक्ष है 12 बदीर से। अभी हमारा नाम है, अभी नारेबाजी हो रही थी। हाँ, क्यों नारेबाजी हो रही थी से लोग। मौके से उड़न दस्ता टीम ने 18 ट्राई साइकिल किया बरामद। खबर यूपी के बलिया से है, जहां मंत्री के कोल्ड स्टोरेज के बाद फेफना विधानसभा में दूसरी जगह ट्राई साइकिल मिलने का क्रम जारी है। शिकायत मिलने के बाद चुनाव उड़न दस्ता और एसडीएम ने देर रात छापेमारी की। मौके से उड़न दस्ता टीम ने 18 ट्राई साइकिल बरामद की। देर रात अधिकारियों ने ट्राई साइकिल रखे गए रूम को सील किया। चुनाव प्रभावित करने के लिए मंत्री के खास व बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रधानाध्यक्ष देवेंद्र गिरी की देखरेख में रखी गई थी। ट्राई साइकिल सपा नेता संग्राम सिंह यादव ने चुनाव आयोग के द्वारा कार्रवाई करने गए का आरोप लगाया है। मंत्री पर सरकारी सामानों का टकैटी का भी आरोप लगा है। तीसरी जगह भी सूचना देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो आपको सूचना मिली, तीसरा कौन सा जगह है जहाँ? तीसरा भी पचखोरा में ही विद्यालय है, जिसके 3 कमरों में और सामान रखा हुआ है, जिसको प्रशासन ने अभी तक सील नहीं किया। हमने प्रेस के लोगों से बात की, प्रेस के लोगों ने जाकर के वहाँ फोटो खींचने का काम किया है और साइकिलें और बहुत सा सामान वहाँ पड़ा हुआ है, जो ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई उसकी देख रेख नहीं कर रहा है, न प्रशासन संज्ञान ले रहा है। तो क्या लगता है कि कैसे निष्पक्ष चुनाव होगा जब इस तरह के माध्यम से? मैं चुनाव आयोग से यही मांग करना चाहता हूँ कि जब इस तरह की कुकृत हो रहे हैं इस फेफना विधानसभा में, मंत्री के दबाव में इतना प्रशासन अगर है तो यहाँ निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा? चुनाव आयोग संज्ञान ले, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई हो जो यहाँ मंत्री का सपोर्ट कर रहे हैं, मंत्री के साथ मिलकर के डकैती करवा रहे हैं, सरकारी सामानों की डकैती करवा रहे हैं, ऐसे अधिकारियों को बर्खास्त करना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ देवकीनंदन मिश्रा, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे।